भी सोच रहे हैं कैमरा का रिकॉर्डिंग करके डाल दें, आप लोग भी देख लोगे कि कैसा कैमरा हम खरीदें। तो सुबह में गुड मॉर्निंग रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे, तो अभी सबको गुड मॉर्निंग। आ रहे हैं अभी स्मार्ट पॉइंट। दिन भर तो कहीं गए नहीं, रात हुआ तो घूमने जा रहे हैं। अब चला ही रहे छुटवा, देख रहा है रिकॉर्ड कर रहे थे। में शादी है भी यार, लेकिन हमारे गली में इसको शादी है, दूसरा गली में देखो तो आ गए निविया के। हमको खाली वो फ्रिज में निविया से कौन सा वाला ठीक रहे, हम जो यूज करते हैं ना वही ले। कौनसी ओकरा रखल हले जे ना समझ में आते, हमारे पॉन्स ना निविए रखल है, निविया ब्लैक में कोची लेते हैं भाई के गो तो तीन गो। अरे ले ले एगो ना खेत तो ओकरा लगे आओ कुछ ले लो, ठंडा ना रहे गर्मी टाइप रहे अच्छा लग। अब राबड़ी खा रहे हैं, अभी खाई थे कैसे जे भी रहे पीछे बैठ के खाए में बना है, खा लीजिएगा आप लोग। सब चीज़ अब अपने कर, मन सामान यहाँ से ले लिए, अब जा रहे घर। तो हेलो भाइयों, दिन भर तो कुछ रिकॉर्ड किए नहीं, अभी सोच रहे हैं कैमरा का रिकॉर्डिंग करके डाल दें, आप लोग भी देख लोगे कि कैसा कैमरा हम खरीदें, मतलब कैसा है। पूरा अच्छे से वो वाला ब्लॉग में दिखा नहीं पाए थे, तो अभी सोच रहे हैं अच्छे से रिकॉर्ड करके अभी डाल दें उसका। तो चलिए वीडियो बने रहिए, कैमरा लेके आते हैं और आपको दिखाते हैं कि कैसा कैमरा आया है। तो मिलते हैं थोड़ी देर में, जय श्री राम। तो हेलो व्यूअर्स, देखिए कैमरा लेके आ गए हैं, अब इसको ओपन करते हैं ठीक है, और आपको दिखाता है कि कैसा कैमरा लिया है। और मैंने सेकेंड हैंड ही लिया भाई, ज़्यादा हाई फाई कैमरा अभी उतना मेरे पास पैसे नहीं है। ये देखिए एक चार्जर, चार्जर दिया, बैग भी उतना में ही दे दिया था, मतलब सेकेंड हैंड ही है तो बैग भी दे दिया था। एक ये लेंस दिया है, पता नहीं इसको क्या बोलते नहीं बोलते पता नहीं मेरे को, हाँ 1855 mm है इसमें लिखा हुआ, मतलब ये 1855 ये दिया है। एक लेंस और ये चार्जर केबल दिया है, अभी सबको धीरे धीरे निकाल रहे हैं। और कहीं कुछ है क्या, हाँ एक एक्स्ट्रा बैटरी भी दिया है कैनन का, और कुछ तो है नहीं। और फिर एक कैमरा है, देखिए इतना सारा ही चीज़ में हमको दिया है। एक 32 GB का कार्ड है जो इसके अंदर यूज़ होता है, एक बैटरी दिया है कैनन का, और दूसरा बैटरी दिया है डिजिटेक का, चलिए ठीक है। और एक चार्जर, एक लेंस दिया है 1855, और एक लेंस दिया है यहाँ पे 55-250, मतलब 55-250 mm। और एक कैमरा है मेरे पास जो कि दी है EOS 1200D कैनन का है, तो कुछ खास तो है नहीं, पर मेरे पास जो है जो यही है भाई, फ़ोटो जो भी अच्छा आता है इसका देख लिए, मतलब पर्सनल यूज़ के लिए ठीक है, घर में ये कहीं और यूज़ ज़्यादा नहीं कर सकते इसका बाहर में, पर पर्सनल यूज़ के लिए अच्छा है, जो अच्छा लाइक अच्छा फ़ोटो आ जाता है, मतलब घर में किसी से मांगना नहीं पड़ेगा, घर पे काम है तो इससे अपने साथ खींच सकते हैं, उसके बाद फ़ोटो निकलवा सकते हैं। तो इसीलिए लिए है कि घर में कभी छोटा मोटा फंक्शन रहता है तो मांगना पड़ता है, अभी मांगना नहीं पड़ेगा, बस इसीलिए मुझे तो अच्छा लगा यार। 20 के लिया है, इतना सारा चीज़ भी दिया है, लेंस भी सही है,
चार्जर भी सही है, बैटरी दोनों सही है, अच्छा बैकअप देता है, मतलब 5 से 6 घंटा दे देता है भाई, मेरे को ठीक लगा। बाकी आप लोग को बताइएगा कि आप लोग को कैसा लगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। बाकी मेरे को रिव्यू करना आता नहीं, मेरे को जो आता है मैंने कर दिया। ये कैमरा है इसका, एक बैटरी लगता है, ये देखिए, रुक जाइए, इसमें फ़ोटो कैसा आता है वो भी मैं दिखा देता हूँ आप लोग को। तो चलिए हम आपको इसके अंदर सारे लोड करके दिखाते हैं, मतलब बंदूक में गोली लोड करके दिखाते हैं, ठीक है। अभी कैनन का ही यूज़ करते हैं हम। गलती कर दी यार, मेरे को गोप्रो लेना चाहिए था ब्लॉगिंग के लिए, पड़ी ले लिए, मेरे को कम पैसा में लगा इसलिए मैंने ले लिया है। बाकी गोप्रो भी लेंगे कुछ दिन के बाद, क्योंकि ब्लॉगिंग के लिए गोप्रो ज़रूरी है, तो गोप्रो ही लेंगे, कुछ समय के बाद ले लेंगे। गोप्रो ब्लैक हीरो, हीरो ब्लैक 13 करके नया आया है, मतलब पहले से आया होगा, मेरे को पता नहीं है, पर उसी को लेंगे। यहाँ पे वाइट वाइट रहता है ना, इसके सामने इसको मतलब लगाने का रहता है, मेरे को उतना अच्छा से पता नहीं है, फिर भी एक दोस्त ने बताया था। तो ये हो गया, लग गया लेंस भी, बैटरी लग गया है, और इधर चार्जिंग के लिए है, पता नहीं चार्जिंग के लिए नहीं है, मतलब यहाँ से माइक यूज कर सकते हैं, माइक जो अगर ब्लॉगिंग के लिए, और एक चार्जिंग पॉइंट पता नहीं क्या है, और एक HDMI आउट है, मतलब कुछ इसमें से वीडियो ऑडियो ये सब लेने का रहता है ना ट्रांसफ़र करके, तो डायरेक्ट कैमरा से भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, पर अभी तक मैंने किया नहीं है कभी ट्राई। फर्स्ट टाइम मेरा सेकेंड हैंड कैमरा है मेरे हाथ में, कभी कैमरा हम ज़्यादा यूज़ किया नहीं है, फ़ोन से ही वीडियो बनाते हैं, आप लोग को तो पता ही है। इसको ऑन कर दिया। देखिए पहले से मैंने कुछ फ़ोटो खींच क्लिक करके रखा है छोटा सा, मतलब अच्छा आ जाता है भाई, अभी कैमरा में आपको दिख नहीं रहा होगा, देखिए मस्त मस्त फोटो आया हुआ है, ऐसा नहीं है कि एकदम घटिया है, 12D है, मतलब थोड़ा नॉर्मल कैमरा है, उतना ज़्यादा हाई फाई नहीं है, बट सही है भाई। ये मैंने बहुत दूर से खींचा था, सब अपने दोस्त लोग का खींचा हुआ हूँ, ये देखो, ये मैंने खुद अपना कैमरा खींचा है, क्या बोलते हैं इसको, मिरर में। और अभी का एक मैं क्लिक करके दिखाता हूँ, देखिए अभी जस्ट का क्लिक किया, कितना खतरनाक का आता है, मस्त है भाई मेरे लिए, नॉर्मल नॉर्मल यूज़ के लिए मेरे को सही लगा ये, हमको काफ़ी अच्छा लगा। बाकी आप लोग बताइएगा आप लोग को 12D कैसा लगता है। ठीक है व्यूअर्स, तो अब कल मिलते हैं, अभी जा रहा हूँ मैं सोने, सो के उठूँगा कल सुबह में, तो फिर कल का ब्लॉग आपको कल के बाद मिलेगा, तो अभी चल रहा हूँ, जा रहा हूँ मैं सोने। और प्लीज़ यार लाइक सब्सक्राइब करो, शेयर करो यार, थोड़ा बहुत अच्छा कंटेंट आएगा यार, धीरे धीरे आएगा, एक बार में तो नहीं ला सकते, पर धीरे धीरे अच्छा कंटेंट आएगा। अभी मनाली का भी वीडियो देखने को मिलेगा, शादी का भी वीडियो देखने को मिलेगा, मतलब एक जगह जा रहे शादी में, वहाँ का मैं शादी अभी नहीं कर रहा हूँ, तो मिलते हैं फिर कल, सबको गुड नाइट शुभरात्रि, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, गुड नाइट शुभरात्रि, जय श्री राम, हर हर महादेव। Yeah!